बिल्कुल बदनाम कर दिया हम लोगों ने यार। तू 50 साल की जिंदगी है तेरी, ये तो सोच रहे क्या पकड़ रही है तू, कौन है तेरा, ये मुसलमान लाके मर गए। ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। भगवा लव ट्रैप की आग पूरे देश में लग चुकी है, जिसकी तस्वीरें समय समय पर सामने आती जा रही हैं, जहां मुस्लिम बच्चियों को भगवा लव ट्रैप के बहाने निशाना बनाया जा रहा है और उनको अपने जाल में फंसा करके मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और इस टारगेट करने के चलते सबसे ज्यादा शिकार मुस्लिम बहन बेटियों को बनाया जा रहा है। और इसी भगवा लव ट्रैप के खिलाफ जो है देश के तमाम मुस्लिम नौजवानों ने कमान संभाल ली है, पर जो विरोध का तरीका सामने आ रहा है उस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देश भर में जगह जगह जहां मुस्लिम बहन बेटियां किसी हिंदू लड़के के साथ घूमती हुई दिखाई दे रही हैं, तो सड़क पर ही सीधा इंसाफ करते हुए तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। और यही तस्वीर जो है मुरादाबाद से भी सामने आई है, जहां मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ शॉपिंग कर रही थी, उस दौरान बवाल मच गया। किस तरीके से बवाल का वीडियो सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। थाने को बोलूंगा तो अपने बाप बुला, अपने बाप का नंबर दे, नंबर दे अपने बाप के कहा है, माँ को बुला, भाई को बुला, अभी रुक जाते नाम नाम बता अपना, लड़को कॉल कर दो ना, नाम बता, वीडियो बनाओ इसकी। हेलो पुलिस को बाद में बुलाइए भाई, अपना मतलब ही ना, मुसलमान है कौन है, तुम मुसलमान है, किस नाम के मुसलमान है, तुझे बंदा ना कबर में लगा था तुझे, कौन ये बता मुझे, पड़ोसा क्या करिए तेरे साथ, ये नाम बता इसका नाम क्या है, नाम बता इसका नाम क्या है, कोई बात है, बात क्या था ना, बात ना है, बात ना है, अरे इससे नंबर लेके फोन करो, इसके नंबर अपना, इससे नंबर लेके सी लड़को फोन करो, नंबर ला अपना मोबाइल, नंबर ला इसके साथ यार, क्या कर रही है, अबे देख तो लो बिल्कुल बिल्कुल बदनाम कर दिया, तू 50 साल की जिंदगी है तेरी, ये तो सोच रहे क्या पकड़ रही है तू, कौन है तेरा, ये मुसलमान लाके मर गए। ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, कोई नहीं लगता, क्यों लगे घूम रही है, क्यों कपड़े दिलवा रही है तू, मैं घूम रही है इसके साथ, ये तो घूम के रही है, समझ गई, इन्हें वीडियो दिखा, वीडियो अभी तुम्हें यही पता चल जाए, टिकटॉक के चल रही है, वीडियो देख रही होगी, तुझे इतना भी ना पता, नंबर ले जा रहे हैं भाई, इसी घर का नंबर ले, इसी घर का तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से मुस्लिम लड़की को पकड़ा गया जो हिंदू लड़के के साथ में शॉपिंग कर रही थी, पर वहां कुछ युवकों ने हिंदू लड़के के साथ मारपीट की और मुस्लिम लड़की के साथ बदसुल्की करते हुए भी दिखाई दिए, जहां एक शख्स कहता है कि मुस्लिम लड़के मर गए हैं जो हिंदू लड़कों के साथ घूम रही हो। अब सोचिए कि अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के साथ घूमता है तो जो हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी इसी तरीके से घटना को अंजाम देते हैं, मुस्लिम लड़के की पिटाई करते हैं और तमाम तरीके की तस्वीरें सामने आती है। ठीक हिंदूवादी संगठनों वाला कुछ लड़कों ने फॉर्मूला अपना लिया है, जहां मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ घूमती है तो हिंदू लड़के की पिटाई करते हुए मुस्लिम लड़के दिखाई दे रहे हैं, और ये पूरी कौम के ऊपर सवाल खड़े कर सकता है जिस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। क्योंकि मैं
बार बार अपनी रिपोर्ट में ये कहता रहा हूं कि कानून को हाथ में लेने का अधिकार आप लोगों का नहीं है। आपको अगर किसी तरीके से किसी घटना को रोकना है तो आपको अपने जिम्मेदार लोगों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, जो कि इस केस में कहीं होता हुआ नहीं दिखाई दिया। और मुस्लिम लड़कों ने जो मारपीट की थी उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। किस तरीके से पूरा मामला सामने आया है एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, मुरादाबाद में बुर्का पहने एक मुस्लिम युवती को हिंदू लड़के के साथ शॉपिंग करता देख मुस्लिम युवक भड़क गए। इन युवकों ने युवती से बदसुल्की भी की, उसके साथ वाले हिंदू युवक को मारपीट कर उसके कपड़े फाड़ दिए। यह घटना मुरादाबाद के भोजपुर में 21 मई को हुई है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करा लिया है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मारपीट करने वालों में भोजपुर के कुछ दुकानदार और उनके साथी भी शामिल हैं। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। एक गांव की युवती रविवार को भोजपुर कस्बे में कपड़े खरीदने आई थी। वे पैदल ही बाजार आ गई थी। बाजार में उसे गांव का ही एक हिंदू युवक मिला। युवती ने उसे रोककर उसकी बाइक पर गांव तक के लिए लिफ्ट मांगी। युवक उसी कपड़े की दुकान पर खड़ा होकर युवती की शॉपिंग खत्म होने का वेट करने लगा। इसी दौरान युवती कपड़ों की खरीदारी में उसकी भी सलाह लेने लगी। इस पर दुकान मालिक और वहां मौजूद कुछ मुस्लिम युवक भड़क गए। हमलावरों ने बुर्का पहने युवती से पहले उसका नाम पूछा, फिर उसके साथ वाले युवक का नाम पूछा। जैसे ही उन्हें कंफर्म हुआ कि युवक हिंदू है तो उन्होंने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। युवक के कपड़े भी उतरवा दिए गए। मारपीट करने वालों ने युवती के साथ भी खींचतान और अभद्रता की। मुसलमान लड़के मर गए हैं क्या जो हिंदू के साथ घूम रही हो? इस दौरान लड़की रोती और गिड़गिड़ाती रही, लेकिन ये युवक नहीं माने। युवती ने बार बार कहा कि युवक उसका पड़ोसी है, उसके साथ गलत रिश्ते नहीं है, लेकिन हमलावरों ने युवक से मारपीट और युवती से अभद्रता जारी रखी। मुरादाबाद के एसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीणा ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। युवती की तहरीर पर शाने आलम, जाने आलम और हफीज को नामजद करते हुए दो अन्य अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोपियों के खिलाफ युवती से छेड़खानी और मारपीट करने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कर्नाटक की हिजाब गर्ल की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। अब एक बार फिर हिजाब गर्ल सुर्खियों में है, लेकिन इस बार कर्नाटक में नहीं, यूपी में। यहां पिछले 8 दिन में 9 ऐसी घटनाएं हुई हैं। ये सभी मामले वेस्टर्न यूपी के हैं। यहां हिजाब या बुर्का पहने लड़कियों के साथ बदसुल्की हुई है। अब बात आगे निकलकर मंदिरों में मुस्लिमों के आने जाने पर पाबंदी और ड्रेस कोड तक पहुंच गई है। यही तस्वीर मुरादाबाद में बुर्का पहने एक मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के के साथ शॉपिंग करता देख वहां मुस्लिम युवक भड़क गए थे। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या आप इस तरीके से कानून को हाथ में लेकर के भगवा लव ट्रैप को रोक पाएंगे? और जो लड़की कह रही है 1% मान लिया जाए कि उसके दावों में सच्चाई है और 95% लोग गलत हैं, पर 5% लोग ऐसे भी समाज में हैं जो गलत नहीं है और आपकी हरकतों की वजह से वो 5% भी खामियाजा भुगतेंगे, क्योंकि पास पड़ोस में भाईचारे का माहौल रहता है।
हमारे साथ भी कई घटना ऐसी हुई है जो खास तौर पर हमारी जो पड़ोस में रहने वाली बहनें हैं उन्हें कहीं जाना होता है तो हम लेकर के जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवा लव ट्रैप है, लव जिहाद है। हर किसी को एक ही चश्मे से तलाश करके आप इस तरीके से कानून को हाथ में नहीं ले सकते और ना ही ऐसे भगवा लव ट्रैप को कभी रोक पाएंगे। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।